जी मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक की, अभी क्या फैसला वहाँ पर लिया गया, क्या ओपीएस की बहाली को लेकर कुछ बात की गई वहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से? सरकार ने हमें वार्ता के लिए बुलाया था, तो इसमें बहुत पॉजिटिव बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमारे एनजीओ के प्रदेशाध्यक्ष भी थे अश्विन ठाकुर जी और उनकी टीम, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई है और सरकार ने कहा है कि इस विषय में वो भी गंभीर है और एक दो दिनों बाद हमें फिर से वार्ता के लिए बुलाया जाएगा जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। जी, तो जिस तरह से आपकी जो पदयात्रा है वो भी आज चली है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है, क्या वो चलती रहेगी या फिर उसे विस्थगित किया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमें यही कहा कि आपकी एक पैदल मार्च भी चल रहा है तो उसके लिए आप भी सोचें, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करा कि वो जल्द से जल्द हमारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए अगर अच्छे मतलब पॉजिटिव कोई न्यूज आती है तो उसको रोका जा सकता है, तो और फिर अगर वो क्योंकि एक दो दिन बाद उन्होंने कहा है कि वार्ता के लिए एनटीएससी को बुलाया जाएगा, तो कल प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ही बता पाएंगे इसके बारे में कि एक और उसमें वो कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग भी होगी तो उसके निर्णय के बाद वो प्रेस ब्रीफ करेंगे। जी, जितने भी लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में उसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो आंदोलनरत है उनकी जो मांगे इस तरह से पूरी नहीं की जाएगी, बैठ के बातचीत करके ये जो मसला है वो हल करना होगा, क्या कहना आपको इस चीज को लेकर? देखो जी, ऐसा है कि हम कोई आंदोलनकारी है नहीं, हम एक प्रदेश के कर्मचारी हैं और एक सरकार की एक रीढ़ की हड्डी हैं, तो हम अगर सरकार के साथ दिन रात काम करते हैं तो हम सरकार के साथ ही हैं, तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो शायद वो किसी आंदोलनकारियों के लिए कहा होगा, वो हम नहीं मानते और ना ही आज की मीटिंग में कुछ ऐसा उनकी तरफ से दिखाई कोई उन्होंने कहा कुछ ऐसा, तो वो मैं नहीं समझता जिस तरह से आज की वार्ता हुई है। तो एक बार फिर हम कहेंगे कि आश्वासन ये है प्रदेश सरकार की तरफ से आगामी कुछ जल्दी नहीं फैसला लिया जाता है तो? देखो जी, ऐसा है कि संवाद जो है एनपीएससी किसी वो चलता रहेगा क्योंकि ये एक वार्ता से ही इसका हल निकलेगा, तो हम वार्ता भी चलेगी और जिस तरह से हमारा जो पैदल मार्च है जिस तरह से चल रहा है इस पर वो कल निर्णय लिया जाएगा। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या आंदोलन जारी रहेगा? देखो जी, ऐसा है कि फिर मैं कह रहा हूँ कि एक आंदोलन एक मिशन है हमारा, हम आंदोलनकारी नहीं है। एक एनपीएससीए ने सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश के 1,20,000 परिवार जो है एक राहत एक लगाई सरकार को देख रहे हैं कि वो पुरानी पेंशन बहाल कर दे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि वो एक सड़कों पर धरना दे, क्योंकि हम कर्मचारी हैं, हम अपने कार्यालय में अपने घरों में ही रहकर अपना काम करना चाहते हैं। एक मिनट।